अरे क्या हुआ मैडम जी, उठिए मैडम जी। मिलने की कोशिश मत करना, जान से मार दूंगा। अरे भैया चल 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 पैसे निकाल। अरे मुझे मारिया मत, मैं पैसे दे रहा हूँ। चल निकाल, इतना सारा पैसा है, छोड़ दे इसे। अंकल जी लीजिए पैसे, लेकिन किसी से कहिएगा मत कि मैं किसी की मदद करने गया तो मुझे लूट लिया। नहीं तो लोगों का इंसानियत से भरोसा उठ जाएगा और कोई किसी की मदद नहीं करेगा। भगवान मुसीबत में हमेशा अपने भक्तों को सही राह दिखाते हैं। अम्मा आता हूँ तो दवा लेके आता हूँ। अंधा भिखारी दिखता नहीं है। अरे मैडम जी रहने दीजिए। अरे मैडम जी, आज को दिखवा जा रहे हैं रास्ते पे। मैडम जी तुम्हें शर्म नहीं आती है? हमारे देश के गरीब किसानों पर हाथ उठाते हुए आज इन्हीं की वजह से हम जिंदा हैं और उनका सामान भी तोड़ दिया। अब ये खेती कैसे करेंगे? इन्हीं लोग के खेती करने की वजह से आज हमारा देश जिंदा है। सॉरी भाई साहब। भाई साहब चलिए मैं आपको मार्केट से नई मशीन दिलवाता हूँ। भैया भैया कुछ पैसे दे दो, दिन से कुछ खाया पिया नहीं। ठीक है भैया, कुछ खा लेना। ठीक है भैया। हाँ इसके बाद गड्डी का हाथ साफ कर ले। ठीक है। अरे सॉरी भैया। कोई बात नहीं मैडम जी। अरे मेरे पैसे कहाँ चले गए? अरे भैया इधर मेरे कहीं पैसे गिरे हैं क्या? नहीं भैया इधर कोई पैसा नहीं गिरा भैया। अरे यार मैंने अपनी माँ के इलाज के लिए पैसे इकट्ठे किए थे, पता नहीं कहाँ गिर गया। हेलो, हाँ डॉक्टर साहब, क्या मेरी माँ मर गई? जो दिल में रह गई। अरे भैया आपके पैसे वहाँ रोड पे गिर गए। अब क्या ही करूँगा इस पैसे की जब मेरी माँ ही नहीं रही। आज बाद हम लोग कभी चोरी नहीं करेंगे, आज हमारी चोरी करने की वजह से किसी की माँ मर गई। मैडम जी मैडम, दो दिन से कुछ खाया पिया नहीं, पैसे दे दो। तुम लोग लोगों को अपनी शक्ल दिखाते कैसे हो? तुम लोगों को तो जीने का कोई हक ही नहीं, तुम लोगों को तो मर जाना चाहिए। चलो भाग यहाँ से। माँ थोड़ा पैसे दो चॉकलेट खाने के लिए। ये लो पैसे, अच्छे से जाना रोड पे, ठीक है? जाओ। अरे भाई साहब आपने मेरे बच्चे को बचाने के लिए अपनी जान दे दी, चलिए मैं आपको हॉस्पिटल ले चलती हूँ। आप ही ने मैडम जी बोला था मुझ जैसे भिखारी का जीने का कोई अधिकार नहीं। मैडम जी आज के बाद कभी किसी भिखारी को बद्दुआ मत देना, कभी कभी बद्दुआ लग भी जाती है। दो पैणा दा वीर में।